हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये जो दिख रहा है एकदम क्रिस्पी सा क्रंची सा, ये है मेरे पास चाप। ये बिल्कुल KFC स्टाइल में मैंने बनाया हुआ है, एकदम क्रंची क्रिस्पी चाप। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स डले हुए हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे सोया चाप, ये है मेरे पास 200 ग्राम चाप। और यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई में पानी, पानी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, मैंने यहाँ पे आधी चम्मच नमक डाला है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी चाप और 5 से 7 मिनट के लिए मैं अपनी चाप को पानी में अच्छे से गर्म कर लूँगी। यहाँ पे मेरी कढ़ाई में पानी कम था तो मैंने पानी इसमें और बढ़ा दिया है। चाप को डूब जाए पानी आपको इतना रखना है। 5 से 7 मिनट इन्हें हो चुके हैं और अब मैं इन्हें निकाल लूंगी एक प्लेट में। काफी स्टिकी हो जाती हैं ये निकलने में गर्म होने के बाद। देखिए इनका साइज भी काफी बढ़ चुका है। और अब मैं इनको अच्छे से ठंडा कर लूँगी, उसके बाद हम इनको कट करेंगे। और अब मेरी चाप पूरे तरीके से ठंडी हो चुकी है और अब मैं इसे बीच में से कट कर लूँगी। और इससे अब इजीली इसकी स्टिक निकल जाती है ऐसे काटने से। और अब हम इनको कट कर लेंगे जितने आप जिस साइज का आपको पीस चाहिए उस साइज का। मैंने यहाँ पे एक चाप से 3 पीस निकाले हुए हैं। इसके बाद लिया है मैंने यहाँ पे एक बोल और हम अपनी चाप को मैरिनेट करने के लिए इसका मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ कर्ड यानी दही और मैंने यहाँ पे लिया है 6 चम्मच दही। आप इसे कह सकते हो कि आधा कप मैंने दही लिया है। मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी चाट मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर 1/4 चम्मच। फिर मैं इसमें डालूंगी नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, तो वो भी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/2 चम्मच। और 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी। इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच सोया सॉस और इसको भी मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अब मैं अपनी चाप को इसके अंदर ट्रांसफ़र करूंगी और 1 घंटे के लिए कम से कम इन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। अच्छे से हम इन्हें मसाले से कोट करेंगे, एकदम सारे पीस कवर हो जाने चाहिए दही और मसाले के अंदर ताकि ये एक बढ़िया सा फ्लेवर ले सकें। यहाँ पे मेरी चाप को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो चुका है और ये कुछ इस तरीके की दिख रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये दोनों वही है। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो पहले मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। फिर भी मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डाला है। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, वो भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/2 चम्मच। फिर मैंने लिया है यहाँ पे
वही दोबारा से, और इसके अंदर भी मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, यानी 1/4 चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाली है, और साथ ही में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑरेगानो। इसको हम मिक्स कर देंगे ऐसे ही, क्योंकि ये हमारी ड्राई कोटिंग है। मैंने मसालों को, कॉर्नफ्लावर को और मैदे को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इस वाले मिक्सचर को भी मैं अच्छे से एक बार ड्राई वाले को मिक्स करूंगी, और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी हल्का हल्का पानी और हम इसकी स्लरी तैयार करेंगे। और इसको अच्छे से घोलते जाना है, बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। और यहाँ हमारी स्लरी भी तैयार हो चुकी है, इसको आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये देखिए बिल्कुल लम्ब्स फ्री रखना है। और मैं आपको दिखा दूँ कि ये आपको कितना गाढ़ा रखना है, तो आप चम्मच उल्टा करके देखिए, इस पर एक परत दिखाई दे रही होगी, इतना आपको कोट हो जाए इतना गाढ़ा आपको रखना है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लिया है मैंने कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स को मैंने अच्छे से बारीक सा पाउडर तैयार कर लिया है उसका, और आप चाहो तो इसको क्रश करके भी रख सकते हो, मैंने बारीक पाउडर किया हुआ है। अब चलते हैं हम अपने चाप की तरफ, और एक बार मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पे लूंगी मैं सबसे पहले अपनी चाप को, और उसके बाद मैं कोट करूंगी इसे ड्राई वाले में। ये मैं इसीलिए ऐसा कोट कर रही हूँ क्योंकि जो मैरिनेशन है वो जब इस स्लरी में जाएगा तो छूटेगा नहीं। इसके बाद मैं इस पीस को डालूंगी अपनी स्लरी के अंदर, और इधर से निकालने के बाद मैं इसको डालूंगी कॉर्नफ्लेक्स में। और इसको हमें अच्छे से कोट करना है, और उसके बाद मैं इसे रख लूंगी यहाँ पे प्लेट में। और यहाँ पे मैंने कुछ अपने पीसेस को कोट कर लिया है, और अब मैं इनको डालूंगी तेल में। तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, और मैं अपनी चाप को डालूंगी इसके अंदर, और मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से अलट पलट के सेक लूंगी, और इनको हम अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। और गैस का आपको दोस्तों खासकर ध्यान रखना है, आपको लो टू मीडियम गैस रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है, वरना सब कुछ जल जाएगा, क्योंकि अंदर जो मैदा है और अरारोट जो कॉर्नफ्लावर है आपका, वो दोनों ही अच्छे से पक जाने चाहिए, इसलिए आपको मीडियम टू लो ही गैस रखनी है। और ये अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और काफ़ी क्रंची भी हो चुकी है, मैं इन्हें निकाल लूँगी एक प्लेट में। और इसी तरीके से मैं अपने बाकी बची हुई चाप को भी फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए दोस्तों, मेरी चाप एकदम तैयार है, एकदम जो होते हैं KFC स्टाइल कुरकुरी चाप जिसे कहते हैं, बिल्कुल एकदम तैयार है। मैंने इसे यहाँ पे मेयोनीज के साथ सर्व किया हुआ है, आप इसे केचप के साथ या किसी भी ग्रीन चटनी के साथ, पुदीना चटनी या कोरिएंडर चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में, बहुत ही कम टाइम टेकिंग है, बहुत ही ईजी है, कोई झंझट नहीं है खास इसमें, और खाने में ये उतना ही टेस्टी लगता है जितना देखने में लग रहा है।